हो गया, यहाँ आ गई, सब घर दह गया। कहाँ रहती है? यही फोन लाइन पर। कोई खाना थोड़का से बनाता है, कोई के मिलता है, कोई के मिलते नहीं है। खाली चावल बनाता है, खिचड़ी बनाता है, न रोटी न भात कुछ बनाते नहीं है। और हम लोग मांग रहे हैं कि जमीन के कागजों दे दो, कब हम बना ले पक्का घर। कसम गरीब दुखिया बना ले घर, साले साले पानी घुस रहा है, अपन अस्तित्व रहेंगे। सरकार जाने है कैसे नहीं बोलिएगा तो। देखिए यहाँ जो जनरल दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है, पैरासीटामोल है, एंटी एलर्जी है। चारा नहीं मिल रहा है सर, ये गांव के सदस्य नहीं लिख रहा है। अच्छा। तो सरकार सबके लिए सर बराबर है कि नहीं है? पानी घुस गया घर में, कितना दिन पहले पानी? 5 दिन हो गया। 5-6 दिन गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं गंगा का पानी जो है वो पटना के आसपास इलाकों में प्रवेश कर चुका है। कई घरे जो है वो डूब गए हैं। देरा के इलाके के लोग अब ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। पटना के अटल पथ पर ही जो है सड़क के किनारे सरकार के द्वारा जो जो बनाए गए हैं टेंट पंडाल लगाकर, उसी में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गंगा का जो रौद्र रूप है वो देखने के मिल रहे हैं। पटना के किनारे जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनके घरों की जो स्थितियां हैं वो हम सीधे तौर पर तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं कि जो आसपास गंगा के किनारे देरा के इलाके में रहने वाले लोग हैं वो तो ऊंचे स्थान पर आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जो गंगा पटना के आसपास के इलाकों में रहते हैं वो पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ डूब चुकी है, जो उनके जो सामान है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि नेपाल ने जिस तरीके से पानी छोड़ा है तो कई ज़िलों में जो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। और सरकार के द्वारा लगातार जो है लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, मवेशी के जानवरों के जो चारा है वो व्यवस्था की गई है, और टेंट पंडाल लगाकर जो है पटना के जिला अधिकारी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और तमाम जो आला अधिकारी हैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है, सड़क के माध्यम से भी जो है पटना के आसपास इलाकों को उन्होंने दौरा किया है। देखिए इस तरह से जो उनके लिए तिरपाल व्यवस्था की गई है, टेंट पंडाल यहाँ पर लगाया गया है, टेंट पंडाल से उन्हें छाया गया है और उन्हें यहाँ पर रखने के लिए मजबूर किया, व्यवस्था की गई है तत्काल कि उन्हें राहत कार्य जो है पहुँचाया जाए। यहाँ पर तिरपाल काफ़ी संख्या में पहुँचाई गई है, कुछ लोग हैं यहाँ पे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? पोर्जी बिनटोली से। बिनटोली से? हाँ बिनटोली। आपके घर में भी पानी घुस गया है? पूरा हिला है पानी है। खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है? हाँ किया है, देख रहे हैं खाने की व्यवस्था है। कितने टाइम खाना मिल रहा है? 2 टाइम मिलता है। 2 टाइम? हाँ। क्या क्या खाने में मिल रहा है? अभी खिचड़ी मिल रहा है, आज के डेट में खिचड़ी मिल रहा है, कल चावल दाल सब्जी, आप शाम को देखिए कोची मिल रहा है। व्यवस्था किसके तरफ से किया गया पूरा टीम? हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, सरकार की तरफ से। हाँ। तो आप लोगों को यहाँ रहने के लिए व्यवस्था किया गया? हाँ। व्यवस्था मिल रहा है सरकार? सरकार तरफ से ये अथी छावनी दे दिया, खाना दे रहे हैं, हाँ पानी दे रहे हैं, मेडिकल की व्यवस्था, दवाई की गई है? हाँ दिया, हाँ हाँ सब पूरा व्यवस्था। गौ माता का कुट्टी भी आयल है। चारा भी दे रहा है जानवर? हाँ दे रहा है जानवर का चारा। हम लोग का यही है कि थोड़ा भर उड़ देता था, कल किधरों से बाण मार देता तो हम लोग इस सब नहीं स्थिति देखते। अब यहाँ रहने के कारण है कि पूरा कीड़ा मकोड़ा के भी डर है, बिच्छा भी? हाँ हाँ तो जंगल है, पूरा ही जंगले जंगले है,
निकलवे करता है, थोड़े नहीं निकलता है। आपके घर में भी पानी घुस? पानी मेरा घर में तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं। सामान तो थोड़ा बहुत लाए, बाकी वहीं छोड़ दिए। सब डूब गया? हाँ सब डूब गया। अब जाएंगे तो उसमें भी परेशानियाँ हैं। क्या क्या सामान है? बक्सा पेटी वगैरह? हाँ घर है तो सारा सामान है वहाँ पे। काम वाला जो जरूरत का सामान सब वहीं है। सब वहीं? सब वहीं। बस खाली थोड़ा सा बच्चा के एक दो कपड़ा लाए हैं, वही थोड़ा थोड़ा बर्तन उतन लाए हैं, वही गोइठा लकड़ी से बना रहे खाना। हाँ दो दिन से तो मिल रहा है, तो कुछ राहत है। शौचालय की व्यवस्था? शौचालय की व्यवस्था एक ठो उधर है, बहुत दूर में है, बहुत दूर में है। तो वहाँ आदमी इतना ज़्यादा है कि उसमें जाना के ठीक नहीं है। नहाने होने की व्यवस्था किया गया है? नहीं नहाने नहीं, नहाने। कितना दिन पहले पानी घुसा है? ये पानी अचानक घुसा है, आज हो गया लगता है एक सप्ताह ले पानी हो ही गया, अचानक घुस गया है। अचानक घुस गया? हम लोग सूतल थे। हाँ। हो गया पूरा चौकिया लग गया हम लोग का। अचानक रात में 2 बजे रात में घुस गया। सब बच्चा लोग पढ़ने भी जाता है आपका? हाँ जाता है पढ़ने के लिए सबको। अब जाने का कुछ है नहीं, रास्ते नहीं है, तब तो कैसे मैं जाएंगे। यही सब खा रहे हो बाबू? बिरयानी। बिरयानी मिला है? कहाँ घर है तुम्हारा? फोर्जीबिन टोली। पानी घुस गया घर में? कितना दिन पहले पानी घुस गया? 5 दिन हो गया। 5-6 दिन? 1 सप्ताह हो गया। बिरयानी, बिरयानी देखिए सस्ता से भेजता है, बिरयानी और चना बच्चे, हाँ बच्चे के लिए। तो खाने कुछ पीने की व्यवस्था मिल रही? हाँ कुछ कुछ खाना भी। हम लोग कर बहुत मदद किया, पानी दे दिया है। ये है कि शौचालय नहीं, अब मान के लेडीज लोग कहाँ जाएगा, फोन लाइन है, यही दिक्कत है यार। देखिए ये झुग्गी झोपड़ी देकर किसी तरीके से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की जो स्थिति बनी है पटना में, और अचानक आधी रात को पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों ने अपने ऊंचे स्थान को चुना, और वो भी पटना का अटल पथ है, जहां पर लोग यहां पर रहने के लिए व्यवस्था, टेंट पंडाल, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, मरकरी लगाया जा रहा है, लाइट लगाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। लोग टेंट पंडाल में रहकर इसी तरीके से सड़क के किनारे ही सो रहे हैं, और ये अटल पथ है, और ठीक अटल पथ के किनारे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और इसी इलाके में जो लोग रहते हैं वो उनके घरों में पानी घुस गया है। अब लोगों से बात करने की और लोगों से कोशिश करते हैं, क्या क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ रहते थे अचानक, यहीं रहते हैं आप लोग? पानी आ गया घर में? कहाँ रहते हैं आप? नौ नंबर में। कब पानी आया आपके घर में? हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन? क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है सरकार की तरफ? हाँ क्या क्या मिला है खाने वाने के लिए? वो पट्टी रहते हैं। पानी घुस गया घर में? नहीं हमने कभी रोड पर पानी नहीं है। हाँ तो यहाँ आ गए? यहाँ ही लोग के आपको प्रोग्राम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसी तरीके से झोपड़ी टेंट पंडाल देकर लोगों को गुजर बसर किया जा रहा है, लोगों के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। मवेशी को भी जो जानवर हैं देखिए वहाँ पर ऊँचे स्थान पर रखा गया है। महिलाएँ हैं कुछ, हम बात करते हैं, जलावन का भी व्यवस्था यहाँ पर रखी है, और जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से क्या हो गया, यहाँ आ गई? सब घर दह गया। कहाँ रहती हैं? यही फोर लाइन पर। फोर लाइने पर रहती? हाँ। कैसे पानी घुस गया घर? कैसे पानी, गंगा जी बढ़ गया तो पानी सब घुस गया। कब घुसा पानी? पानी घुस गया अभी तक 17-16 तारीख से। हाँ। 16 तारीख से अचानक सोए हुई थी, पानी घुस गया? हाँ सब में घुस गया। रात के वक्त घुसा पानी? रात में घुस गया। तो क्या की उस वक्त आप लोग, क्या सोची? क्या सोचे, फोर लाइन पे आए बाले बच्चे लेके सब लोग। सरकार क्या क्या व्यवस्था दे रहा है? अभी सरकार कुछ नहीं व्यवस्था दे रहा है, चिमकी टान दिया है, और खाना वही बना रहा है। हाँ वही खाना थोड़का सा बनाता है, कोई कोई मिलता है, कोई कोई मिलते नहीं है। खाली चावल बनाता है, खिचड़ी बनाता है, न रोटी न भात कुछ बनाते नहीं है। बस माल जल से ही पानी में भूखले रहते हैं माल जल को। बाढ़ पीड़ित के नाम पर सरकार ढोंग रच रही है? हाँ उसका झूठों को। हाँ हाँ मदद कुछ नहीं, देखिए माल जल भूखले है कुछ देता है अभी, खाली खिचड़ी चावल बनाता है तो वही गरीब खा कर रहेगा? चारा उरा दे रहा है जानवर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। चारा तो साफ नहीं दे रहा है ना बहुत, देखिए सारा माल जला से भूख है। दवाई उवाई की व्यवस्था किया है? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था किया है आगे तो जो बनाया है तो अभी दवाई नहीं देता है। नहीं देता है? नहीं, ये खाना भी पका रहा है, थोड़का सा खाना बनाता है। हाँ वो बाटे लम्बर लग रहे खत्म।
खत्म। इधर ही आपका घर है? हाँ इधर सब घर है। कितने साल से रह रही हैं? हम लोग के वही उम्र घर टूर के डीघा वाला घर टूर के आई है, बसा दिया खाला में। अच्छा। और नहीं जमीन के कागज दे रहा है, न माटी भरवा रहा है, न कुछ भी कर रहा है। हाँ पानी घुस गया घर, पानी घुस गया, सरकार देखे नहीं किया। और बड़ी दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। हम लोग जब से आए जब से दिक्कत में है, पूरा दिक्कत में ना। हाँ और हम लोग मांग रहे हैं कि जमीन के कागजों दे दो, कब हम बना ले पक्का घर। कसम गरीब दुखिया बना ले घर, साले साले पानी घुस रहा है, अपन अस्तित्व रहेंगे। अच्छा। वो नहीं सरकार दे रहा है, नहीं भरते है, माटियों नहीं भर रहा है। अच्छा। सरकार जाने कैसे, नहीं बोलिएगा तो बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सुतलिए रात में पानी ढुकला है। अच्छा। आपके घर में भी पानी घुस गया? कितना पानी घुस गया है? नट्टी पले डुबाव है, मतलब डुबाव पानी आ गया। हाँ डुबाव हो गया, माने डूबने की स्थिति बन गई। बन गई थी, देखिए ना घुस के कितना पानी है। हाँ ना। हाँ। बिच्छा उच्छा भी निकलता होगा, सांप भी निकलता। हाँ सांप बिच्छा पिलुआ फिटिंगी सब निकलता है। सब निकलता है ना? सब निकलता है। हम लोग तो बोल रहे हैं सरकार माटी भर दीजिए, हम लोग जमीन के कागज दे दीजिए, हम लोग बढ़िया से बना के अपन रहेंगे। हर साल ये स्थिति होता है, हर साल ये स्थिति होता है बाढ़ में। हाँ हर साल होता है। तो देखिए बाढ़ पीड़ित के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार तो कह रही है कि हम मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं उससे आप उम्मीदें लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार जो है खाना पूर्ति कर रही है। जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है कि लोगों को आधी रात के वक्त अगर लाइन कटी है तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। देखिए मवेशी यहाँ पर मौजूद है और हम बात करने की कोशिश करती हैं। यहीं रहती हैं माता जी? हाँ यही रहते हैं। अचानक घर में पानी आ गया? पानी तो भर कमर घर में है। हर साल ऐसा ही होता है ना? ना हर साल नहीं, तीन साल पर पानी आया है। तीन साल पर पानी आया है। तो रात एक बैग पानी आ ढूक गया निक सारा चीज। पानी तो घुस गया 10 बजे रात को। हाँ 10 बजे सारा चीज वही में रह गया। अपन दे लेके हाली हाली थोड़ा बहुत पकाने खाने वाला निकाल लिया, न तो सब वही में रह गया। में सामान छोड़ दिया। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमरा तो है कै गो, हुआ है नन की पोता है, तीन गो पोता पोती। परिवार डूब जाते अगर नहीं। हाँ तब भर रात वो तनी गो टिल्लू कहे रहे बचल, तो वही पर हम अथी गुजर कटनी हो सा चौकी खटिया निकाल के भरोर रात तनको ने सुतनी हो सा भर रात बैठ के बिहान। हाँ भर रात बैठ के बिहान कैनी है। सरकार क्या क्या व्यवस्था दे रहा है यहाँ पर? सरकार के पंडाल तो यही पंडाल बना दिया है, खाना का व्यवस्था है। वो खाना मिलता है टाइम से, कुटाई में मिलता है, 12 बजे के खाना मिलता है, 10 बजे रात में। क्या क्या खाना में खिला रहा आप लोग को? खाना में वही दाल भात सब्जी मिला है, आज खिचड़ी चोखा मिला है। तो अपना जान तो बचाई, जानवर का भी बचा ली जान? हाँ जान। हाँ भैंसी हिला के लिए आई है, हिला के लेके आई। हाँ हिला के डूब के पानी में हिला के भैंस। अपने जान से ज्यादा जानवरों का भी प्यारा लगा। हाँ, तो का इसको भी बचा लेना चाहिए। अरे तो एकरो तो जान है ना। हाँ। नहीं बचाएंगे तब कैसे होगा? अपन जान लेके भागेंगे, उसका छोड़ देंगे पानी में। हाँ तो एकरो जान बचा दिया है। और बाढ़ की स्थिति अभी बनी हुई है पटना में और कई निचले जगहों पर। पटना में बाढ़ की स्थिति है, अपना तो जान बचाई लेकिन जानवर जो मवेशी है उसे भी लेकर साथ में आए। और ये पटना का इलाका है, अब सोच लीजिए कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार की जो स्थितियां हैं वो हम आज रूबरू करा रहे हैं। कब पानी घुसा आपके घर में? पानी हो गया एक हफ्ता घुसे। एक हफ्ता कब घुसा था पानी? कितने बजे? पानी रात में घुस गया था। उसमें क्या कर रहे थे आप? सोए हुए थे पानी अचानक से मतलब घर में घुसने लगा था। फिर तो उसमें थोड़ा पानी अभी कम था, जल्दी जल्दी पानी आ रहा था तो उसमें थोड़ा सामान ऊपर किए। अच्छा बाढ़ में सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि सरकार को क्या मदद करनी चाहिए? सरकार टेंट पंडाल लगा दिया, उसके अलावा भी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उसके ये टेंट व्यवस्था तो आज हुआ है, उसके अलावा अभी बहुत सारे समस्या यहाँ पर है जो कि बताएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा रोड सही से नहीं है। रोड पहले सबसे पहले रोड बन जाता तो नहीं डूबता। सरकार बोले थे कि लोग भाड़ा के जमीन देंगे, मट्टी भर के देंगे, मट्टी हम लोग का भर के। साल से रह रहे हैं? अब 2016 में हम लोग आए थे। 2016 में 7 जनवरी को हम लोग पूरा बस्ती यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो मतलब ये हर साल की स्थिति है कि इसी साल? हर साल की स्थिति है, हर साल ऐसे ही हर की स्थिति है। कभी पानी कम आया तो बंचाई से कभी ऐसा है कि नहीं डूबते, नहीं हर साल डूबना ही तय है। तो लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हर साल इस तरह की स्थिति है। वही तो सरकार तत्काल व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। कोई व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था मिला? शौचालय उचालय है आप लोग को जाने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं है।
खाना खाली दे रहा है बस और कुछ भी नहीं। ये सब अपना लेके आए हैं टेंट? हाँ अपने लेकर आए। ये रात में खाली घेराया है बस। हाँ। रात में घेराया है। हाँ। चार दिन पाँच दिन से आप लोग? पाँच छह दिन तो ऐसी रहते हैं, माल जाल धूपे में ऐसी रहता है, कुछ भी साधने नहीं है तो कैसे होगा। आज हम रियलिटी चेक करने के लिए बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए आए हैं और ये पूरी लंबी लाइन है। हम वहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अटल पथ की तस्वीर है जहाँ पर गंगा का मनिन ड्राइव बना हुआ है। मवेशी भी इसी इन्हीं के साथ रह रहे हैं जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं, यानी मवेशी और इंसान को दोनों को बराबर एक तलाजू में तौल दिया गया है, क्योंकि वो भी उनके लिए व्यवस्था, कई जानवरों को चारा मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सरकार को ये सोचना होगा कि अगर हर साल इस तरह की बाढ़ की स्थितियाँ बनती है तो उनके लिए तत्काल व्यवस्था उनसे पहले से करनी चाहिए। और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहाँ पर अपनी शिकायत लेकर पहुँच सकते हैं। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोइयाँ बनाई गई है, शिविर स्थान बनाया गया है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। क्या क्या खाने में मिल रहा है ये तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे और चलकर बातचीत करेंगे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या खाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं वो हम जानने के लिए पहुँचे हैं कि आज क्या व्यवस्था है खाने में। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लाइन लेकर खा रहे हैं। किस तरह की खाने के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था की गई है, क्या मिल रहा है बच्चों लोग को? खिचड़ी और चोखा मिल रहा है। सुबह में क्या मिला? खिचड़ी चोखा। हाँ, सुबह से ही चालू है अभी खिचड़ी चोखा। हाँ, कितने लोगों के खाने की बन रहा है? करीब इसमें आने का किसी को कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। जितना खा सकता, जितना खा सकता है। एक कभी बच्चे भी थे, दो खबर तीन खबर भी आ रहा है, फिर भी मैं जब उसमें नाकार नहीं रहा हूँ। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि किसी लोग को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, जो अपना डेगची लेके आ रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं, उसमें भी मैं खाना दे रहा हूँ। पत्तल में उससे वास्ता में पत्तल भी मेरे पास में, मैं पत्तल और गिलास में दे रहा हूँ। ये खिचड़ी है बाढ़ पीड़ितों के लिए और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों का बर्तन भी लेकर पहुँच रहे हैं और पत्तल तो है ही, लेकिन जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा है? सुबह 11:30 बजे से लेकर हम खुद अभी बैठे हैं, अभी बैठे हैं, अभी खिचड़ी चोखा दोनों ही मिला है। शाम के वक्त क्या मिलेगा? देखिए क्या प्रोग्राम होता है, अलग अलग रूटीन है। जी जी, देखिए ये लंबी लाइन, 6,000 आदमी है यहाँ टोटल, 5,000 से 6,000 आदमी है। हम लोग तो कल तो बहुत ही ज़्यादा लोग सब आया है उधर से। जी, जिला अधिकारी के तरफ से ये व्यवस्था की गई है और लोग जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है। पटना जिला अधिकारी क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं? रोज आज तो शनिचर था इसलिए खिचड़ी चोखा बना है और खूब बढ़िया घी मिलाकर बना है। और कल रात में जैसे चावल कह रहे हैं कि मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। नहीं, इस तरह की दिक्कत अब उतना भीड़ है, 4,000-5,000 आदमी एक टाइम में खा रहा है तो कहीं एक आध मिस नहीं हो सकता है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है? शौचालय का तो है, वहाँ शौचालय देखिए, वो शौचालय है। अच्छा। शौचालय भी है, सारा व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है। कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है उसे जानना बेहद ज़रूरी है। अब मेडिकल काउंटर पे चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो सामुदायिक रसोइया थी जहाँ पर तस्वीरें हमने दिखाई, मेडिकल कैंप में किस तरह की दवाइयाँ रखी गई है। मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं और दवाइयाँ जो है वो दी जा रही है। देखिए, यहाँ जो जनरल दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है, पैरासीटामोल है, एंटी एलर्जी है और ये इचिंग का दवा है, जो ज़रूरी दवाएँ वहाँ पे उपलब्ध है। हाँ जी जी, फीवर वगैरह की? फीवर का है, डिहाइड्रेशन का है, लूज मोशन का है, ये सारी दवाएँ हैं। तो देखिए सारी व्यवस्था की गई है, ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं यहाँ पे। कंट्रोल रूम के लिए लोगों की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो एंटी एलर्जी है, इचिंग की है, लूज मोशन से लेकर बुखार तक की सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है और मेडिकल टीम के तरफ से ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था, हमने पूरी रियलिटी चेक की। कुछ सच्चाइयाँ हैं तो कुछ लोग जो इस बातों को कह रहे हैं उसमें हमने जो देखा उसमें कुछ लोग जो है ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि ये हर साल की स्थिति है लेकिन सरकार सुन नहीं, और वहाँ पर जो है चारा भी दिया जा रहा है। जो सच्चाइयाँ हैं वो हम अपने कैमरे के ज़रिए दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है, और जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है जिसके वजह से कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं। कितना चारा दे रहे हैं? एगो बकरी का 1 kg और एगो गाय का 5 kg मिल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चारा समय पे नहीं मिल रहा है।
नहीं 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 देखिए आज ही अवगत कराया, ये गांव का आदमी नहीं है, बेचारा दूसरा जगह के बसल है, उस पट्टी माल जाल है, चारा नहीं मिल रहा है सर, ये गांव के सदस्य नहीं लिख रहा है। अच्छा, तो सरकार सबके लिए सर बराबर है कि नहीं है? जी तो गांव के सदस्य नहीं लिख रहा है कि गांव वो पट्टी देख चल के देख लीजिए कितना माल जाल है, ये गांव के सदस्य वो पट्टी के आदमी के नहीं लिख रहा है। आरा जिला के मनपुरा के जहाँ के बसल है सब नहीं दे रहा है, चारा नहीं दे रहा है गाय के। तो लोग जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। कितना मिल रहा है? चारा मिल रहा है गाय पर 5 किलो मिल रहा है, टाइम से मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है। नहीं 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 मिल रहा है। कितना मिला है? 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो कितने जानवर है? 4 गो पर 5 किलो दे रहा है। 4 गो एक टाइम या 3 टाइम? एक टाइम मिल रहा है। एक टाइम हाँ। चारा यहाँ 2 बाढ़ के लिए आया था, 13 नंबर और 14 नंबर बाढ़ के लिए आया था। 14 नंबर बाढ़ को उपलब्ध हो गया और 13 नंबर बाढ़ के लिए अभी आधा घंटा में उपलब्ध हो जाएगी। जानवरों को किसी तरह की दिक्कत हो रही है उसका भी ट्रीटमेंट? हाँ, ट्रीटमेंट भी हो रहा है। वहीं बगल में मेडिकल की टीम के बगल में हम लोग हैं। सारी जो इमरजेंसी ड्रग्स है, सारी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। देखिए लोग जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाइयाँ हैं, तो कुछ लोग की बातें जिस तरीके से सामने आ रही है उससे साफ यही जाहिर होता है कि हमने रियलिटी चेक की है, जिसमें कुछ बातें सच्चाई हैं तो कुछ बातें झूठी भी निकली हैं। जिस तरीके से आम लोगों ने आरोप लगाया उसमें जो है आम लोगों की बातें कुछ झूठी नज़र आई। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।